वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और इसमें जो नेक्स्ट है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ऐसे इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, तो इसके लिए एक्सरसाइज 2.6 पर हम लोग आते हैं और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के समझते हैं कि इक्वेशंस कैसे रिड्यूसिबल होते हैं लीनियर फॉर्म में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 8x-3/3x=2। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, लेकिन इट इज़ रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में रिड्यूसिबल है और हम इसको रिड्यूस करते हैं लीनियर फॉर्म में और इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए 8x-3/3x=2 है। 3x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8x-3=2×3x। 3x इधर डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2×3x। और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 8x-3=6x। अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह से दिखने लगा। इसमें वेरिएबल दोनों तरफ हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लें और -3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगा 8x-6x=3। 8x में से 6x घटाएंगे, 2x=3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x=3/2। 2 को ट्रांसपोज करेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आने पर डिवीजन में हो जाएगा x=3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और यही आंसर हो जाएगा x=3/2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को 3y+4/2-6y=2-5। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये केस है और इट इज़ रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में रिड्यूसिबल है। देखने से लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट इट इज़ रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। तो इसको सॉल्व करते हैं और ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y+4, 5 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा (5), (-2) (2-6y). जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से और ये आ जाएगा -2×2-6y। मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15y +20=-2×2 करेंगे -4 -2×-6+12y। अब जो वेरिएबल वाले टर्म है उनको एक तरफ कर लें, 12y को इधर ले आते हैं, कांस्टेंट 20 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15y-12y
लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस 12y हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 20, और ये हो जाएगा 15y माइनस 12y इक्वल टू माइनस 4 माइनस 20, और ये हो जाएगा 3y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से हम लोग y कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 24 अपॉन 3, और 3 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8। y इक्वल टू माइनस 8 इज दी आंसर, यही आंसर हो गया y इक्वल टू माइनस। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म के टाइप का ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। The ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. इस तरह के questions को application based questions भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें Hari और Harry की present age का ratio दिया है 5:7. 4 years from now, आज से फिर प्रेजेंट से 4 साल बाद उसके उनके एजेज का जो रेशियो है वो 3:4 हो जाता है। वी हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज, तो प्रेजेंट एजेज का रेशियो 5:7 दिया हुआ है तो हम उनकी प्रेजेंट एज 5x और 7x मान सकते हैं। तो सबसे पहले यही करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ Hari इक्वल टू 5x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ Hari इज इक्वल टू 7x years। ये प्रेजेंट एज दोनों की हम लोगों ने मान लिया। अब 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद Hari की एज और Hari की एज कितना हो जाएगी, इसमें 4 दोनों में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 4 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ Hari ये हो जाएगा 5x + 4 years एंड एज ऑफ Hari ये हो जाएगा 7x + 4 years और 4 years आफ्टर 4 years रेशियो ऑफ देयर एजेज इज गिवन 3:4 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा आफ्टर 4 years इन दोनों की एज का जो रेशियो है 3:4 है तो हम लोग लिख सकते हैं 5x + 4 / 7x
प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, इनका रेशियो थ्री अपॉन फोर है, ये कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पर हमको इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, ऐसा इक्वेशन मिल गया जो रिड्यूस हो जाएगा लीनियर फॉर्म में, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 7x प्लस 4, 4 को इधर लाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x प्लस 4 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको इक्वेशन का ये फॉर्म मिल जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5x 20x प्लस 4 इंटू 4 16, दिस इज इक्वल टू 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21x प्लस 3 इंटू 4 12 आगे सॉल्व करें, जो वेरिएबल पार्ट है उसको एक तरफ कर लें, कांस्टेंट पार्ट को दूसरी तरफ कर लें तो ये हो जाएगा 20x माइनस 21x दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 16। इसको सॉल्व करें, 20 माइनस 21 करेंगे माइनस से एक्स आ जाएगा और 12 माइनस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4। दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू आ गई 4। एक्स की वैल्यू जब 4 आ गई तो हम लोग इससे हरी और हैरी की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हरी इक्वल टू, हरी की प्रेजेंट एज हो जाएगा 5x था तो 5 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी ये था 7x तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 28 ईयर्स। यही आंसर हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज 28 ईयर्स। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस क्वेश्चन में दिया गया है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर
देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8. इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, द नंबर ऑब्टेंड इज 3/2. फाइंड द रेशनल नंबर. एक रेशनल नंबर दिया गया है. हम लोग जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पर रेशनल नंबर दिया गया है हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8. जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसके न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है. तो हम लोग मान सकते हैं इन दिस क्वेश्चन लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू वाई वेरिएबल मान लेते हैं. लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू वाई. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज, डिनोमिनेटर of this rational number is greater than numerator by 8, therefore denominator becomes y plus 8. जो denominator है वो y plus 8 हो जाएगा क्योंकि numerator से denominator 8 ज़्यादा है. अब question में जो condition दी गई है वो apply कर दें. according to question, according to question, question में दिया है if the numerator is increased by 17, numerator को 17 से increase कर दें it means y plus 17 हो गया numerator, and denominator is decreased by 1, और जो denominator है y plus 8 इट इज डिक्रीज्ड बाई 1, यानी इसमें से माइनस 1 कर दिया. देन द रेशनल नंबर इज ऑब्टेंड 3/2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3/2. इसी को सॉल्व कर लेते हैं. ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है. इसको सॉल्व करके y की वैल्यू जब हम पता कर लेंगे तो हमको रेशनल नंबर मालूम हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई होगा y प्लस 17 में, दिस इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा इसके डिनोमिनेटर में. ये y प्लस 8 माइनस 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये y प्लस 7 हो जाएगा. तो 3 इंटू वाई प्लस 7, ये हो जाएगा 2y प्लस 34 इक्वल टू 3y प्लस 21. 3y प्लस 21. वेरिएबल को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर लें, तो ये हो जाएगा और 2y माइनस 3y इक्वल टू 21 माइनस 34. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 34 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 13, और यहाँ से हमको वाई इक्वल टू मिल जाएगा 13. वाई इक्वल टू 13 मिल गया तो न्यूमरेटर हो जाएगा 13. देयरफॉर न्यूमरेटर इक्वल टू 13 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई प्लस 8, 13 प्लस 8, एंड
डिनोमिनेटर इक्वल टू थर्टीन प्लस एट दैट इज 21. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निकल आया. न्यूमरेटर इज 13, डिनोमिनेटर इज 21. यहाँ से फिर हमको आंसर मिल जाएगा. देयरफॉर आंसर इज रेशनल नंबर इक्वल टू थर्टीन अपॉन 21. रैशनल नंबर इक्वल टू 13/21. ये आंसर हो गया. अब इस तरह एक्सरसाइज 2.6 अब आप कंप्लीट कर सकते हैं. और ये टॉपिक का ये लास्ट एक्सरसाइज है 2.6. इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है.